तो लास्ट स्टेंजा क्लास फोर्थ का द आंट एंड द ग्रासहॉपर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आप लास्ट वन स्टेंजा है। यहाँ पर द आंट एंड द क्रिकेट था, चीटी और झींगुर के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसी स्टेंजा को यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्रोड्यूस किया गया है। लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज़ें ये अपने कन्वर्सेशन में कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है। ब्लैकबोर्ड पे यहाँ पर देखिएगा जैसा कि मैंने पहले से लिख दिया है और फिर हम लोग इसको देखेंगे। गो दे, गो मीन्स तो बच्चों जाओ, दे तथा तब, गो दे तब जाओ, कामा में है कि से पूछता है कहा द आंट चीटी, चीटी ने कहा गो दे तब जाओ। एंड मिस ऑफ डांस होता है नृत्य करो नाचो, विंटर होता है जाड़ा, विंटर अवे होता है जाड़ा चला जाए, एंड डांस विंटर अवे अर्थात पूरे जाड़े, गो दे तब जाओ सेड द आंट चीटी बोली, एंड डांस विंटर अवे और जाड़े में नृत्य करो। दस इंडिंग, दस होता है यद्यपि इंडिंग से समाप्त हो गया था जाड़ा, दस इंडिंग इस प्रकार से ठंडी समाप्त हो गई है। हास्टी का सब कुछ मतलब तेजी से लिखे होता है उठाया, तो विकेट से अपने छोटे दरवाजे को विकेट विकेट का होता है स्मार्ट डोर, हम लोग नहीं विकेट कर स्मार्ट डोर होता है। चलो ठीक बच्चों फिर से देख लेते हैं हम लोग। लिफ्टेड मीन्स होता है उठाया, द विकेट होता है छोटे दरवाजे को स्मॉल डोर और गेट, एंड मिस और तुम चला गया आप इसका दरों के दरवाजे से बाहर चला गया। टर्निंग होता है मुड़ना या पीठ फेर लेना, द पुअर द बेचारा लिखी हुआ छोटा विकेट द जीरो। फिर से एक बार हम देख लेते हैं वंस अगेन क्या दोनों में वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसको लोग देख लेते हैं एक बार फिर से बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, गो दे तब जाओ सेठ तब बोला द आंट मिस क्या चीटी, तब चीटी बोलती है तब जाओ, एंड मिस ऑल डांस का नृत्य करो नाचो गाओ मौज मस्ती करो, विंटर अवे जाड़ा तो खत्म हो गया है, एंड आउट सॉरी दस इंडिंग पता इस प्रकार से दस होता इस प्रकार समाप्त करते हुए, दस इंडिंग इस प्रकार समाप्त करते हुए ही मिस वॉक हास्टी होता है तेजी से लिपे उठाया या खोला द विकेट होता है अपने छोटे से घर के दरवाजे को, एंड मिस ऑफ आउट मिस होता बाहर चले जाना आप उसका का द डोर के दरवाजे से, एंड आउट ऑफ द डोर दरवाजे से बाहर चला गया। टर्न द पीठ मोड़ लिया या मुड़ गया द पुअर का बेचारा, यह पुअर का जो गरीब नहीं है पुअर का बेचारा भी होता है और गरीब होता है कामन तौर पर, यहाँ पर क्या होगा जो पुअर का पी डबल ओ आर पुअर का होता है बेचारा। लिटिल क्रिकेट मिच होता है छोटा ढंग छेंगू, कहीं कहीं यहाँ पर पोएम क्रिकेट का साफ ग्रास ऊपर दिया है, ग्रास ऊपर को तो समझते हो कि टिड्डा होता है, ये जब आप क्लास ट्वेल्थ पढ़ेंगे तो ये फेवल एक कहानी है उनके बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है पोएम से पोएम के जरिए बताया गया है। तो कह रहा टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट बेचारा छोटा जीवन वापस चला गया। नेक्स्ट वाला कह रहा है दो मिश्रा बच्चों यद्यपि दिस मिश्रा यह इज मिस है ए मिस है फेवल का कहानी, दो दिस इज ए फेवल यद्यपि यह कहानी है, दो मिश्रा यद्यपि दिस मिश्रा यह इज मिस है ए मिस है फेवल का कहानी यद्यपि क्या बच्चों यह एक कहानी है। द मोरल इज गुड द
मोरल तो नैतिकता है क्योंकि बहुत अच्छी द मोरल इज बुक अर्थात इसकी जो नैतिकता है जो कहानी का सार है बहुत ही अच्छा है, जो कहानी के बारे में बताया गया है, जिसका मोरल है, जिसकी थीम है, जिसका विषय है बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है इसका मूल मेन थीम क्या है आपने दिया हुआ है मुझे, हम लोग इसको देख लेते हैं। एक पूछता है यदि यू मीन टू लाइफ का है रहते हो या जिंदा रहते हो विदाउट के बिना वर्क का काम के, इफ यू लिव विदाउट वर्क यदि तुम बिना काम के जिंदा रहते हो, यू मीन तुम्हें मच फूड चाहिए लिव द जिंदा रहना विदाउट के बिना फूड द भोजन, तो तुम्हें बिना भोजन के ही जिंदा रहना पड़ेगा। यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं यदि आप बिना काम के जिंदा रह सकते हैं या कोई काम किए हुए बिना वर्क किए जिंदा रह सकते हैं तो आपको बिना भोजन के जिंदा रहना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसका मोरल देख लिया कि अगर जिंदा रहना है तो वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क काम करना पड़ता है। आदमी आलस करके बैठा हुआ है वो कुछ ना वर्क ही है, वो आलसी बन है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है वो भी काम है, कुछ कर रहा है वो भी काम है। दोनों में डिफरेंटेड क्या है, अंतर क्या है, इसको हम लोग इस पोयम से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ मैं यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। द कन्वर्सेशन बिटवीन द आंट एंड द क्रिकेट आर प्रोड्यूस इन द लास्ट स्टेंजा। द आंट रिप्लाइड टू द क्रिकेट यू सिंग होल विंटर सीजन एंड द विंटर सीजन एंड्स देन द ग्रास ओवर आर क्रिकेट फास्टली क्लोज द डोर एंड आउट ऑफ द टर एंड आउट ऑफ द हाउस टू द आन। एक्चुअली दिस इज अ वेरी फेबल स्टोरी एंड ही हाइड ए मोरल इन दिस इन अदर सेंस दैट एनी वन हु वांट टू लाइफ ऑन अर्थ ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर लाइफ। या यहाँ पर कहने का अर्थ है कोई भी जिंदा रहना चाहता है तो उसे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।